सियासी तौर पर घिरे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को एक बार फिर लगा झटका। सहयोगी दल जेडब्ल्यूएफ के चीफ शहजीन मुफ्ती का कैबिनेट से इस्तीफा। इस्लामाबाद में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन। कश्मीर फाइल्स पर सियासी संग्राम। गृह मंत्री अमित शाह ने पंडितों की पलायन के पीछे कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। राजौरी जामा मस्जिद के फारूखी बोले, 800 साल मुसलमानों पर राज ना करें साजिश की कोशिश। नाटो की सख्ती और बाइडेन की धमकी के बाद ही पुतिन बेपरवाह। यूक्रेन पर आज भी जबरदस्त हमला। की घेराबंदी के बीच खार्किव पर मिसाइल हमला। अटैक के बाद लवीव में तेल डिपो में लगी आग। बीरभूम हत्याकांड की हकीकत तलाशने में जुटी सीबीआई। वारदात की जगह जांच टीम ने तफ्तीश की। सबूत पर पैनी नजर। गवाहों से भी पूछताछ जारी। जून से एक बार फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। दो साल बाद भक्त सीधे करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। कोरोना के कारण रद्द की गई थी अमरनाथ यात्रा। जोधपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में सुनी फरियाद। बाईजी का तालाब और बरकतुल्लाह स्टेडियम में विकास कार्यों का लिया जायजा। स्टेडियम के विकास कार्यों पर जताई खुशी। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर के 250 वार्ड्स में प्रदर्शन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीकानेर के करनी इंडस्ट्रियल वुलन सेप्टिक टैंक में हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया शोक। शोकाकुल परिजनों के प्रति जताई संवेदनाएं। आर पार की लड़ाई के मूड में एम्बुलेंस कर्मचारी। जयपुर में शहीद स्मारक पर कर्मचारियों का धरना। संविदा कर्मी कमेटी में शामिल करने और वेतनमान 18,000 करने की मांग। जयपुर एयरपोर्ट पर आज से लागू हुआ फ्लाइट्स का समर स्केड्यूल। 10 नई फ्लाइट्स का संचालन शुरू। सबसे ज्यादा इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट भरेंगी उड़ान।